यूजुअली पहली बार ऐसी गंदगी देखी है तुमने यहाँ पे, इतनी नहीं होती है ना। तो ये बीच घूमा है पर बीच पे जाके ना मजा सा नहीं आया बिल्कुल भी आज, बहुत मतलब अच्छा ही लगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल, एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम जा रहे हैं, आज अलग वीडियो होने वाला है बिल्कुल। अभी हम जा रहे हैं पालोलेम, और आज पालोलेम की तरफ का माहौल देखेंगे कैसा हो रखा है। तो रक्षु आया नहीं है क्योंकि उसको अपना फिजिक्स वगैरह का कुछ तैयारी करनी है, छुट्टियाँ हो गई हैं वैसे उसकी गणेश चतुर्थी की। क्वांटम फिजिक्स मुझे आज पढ़ना है। हाँ। और वैसे वो आउट ऑफ सिलेबस है बट मेरे को उसमें मजे आ रहे हैं तो मेरे को पढ़ने दो। हाँ। तो वो आया नहीं इसलिए, तो हम दोनों ही आ रहे हैं फिर के चलो पालोलेम के कुछ काम है वो काम करेंगे, साथ में उधर का जो है बीच वगैरह भी देख कर आएंगे आज कैसा हो रखा है। हाँ, क्योंकि हम गए ही नहीं कब से। हाँ, और संडे का दिन है तो मतलब टूरिस्ट भी दिखेंगे और वैसे भी दिख रहे हैं मतलब अभी अब। चलो चलते हैं पहले। तो जी पालोलेम तो फुल्ली रेडी लग रहा है टूरिस्ट के लिए, और टूरिस्ट भी हैं इधर। हाँ, क्राउड है काफी। हाँ। और जैसे संडे है ना। हाँ। संडे के हिसाब से मुझे बहुत भीड़ लग रही है इधर। एग्जैक्टली, मतलब देखो स्कूटर्स ही स्कूटर्स की लाइन ही दिख रही है। स्कूटर फॉरेनर क्राउड कितना ज्यादा है। हाँ, जबकि फॉरेनर इधर कम आते हैं, ज्यादातर अगुंडा पे आते हैं। हाँ। बट क्या हो रहा है अभी अगुंडा पूरा खुला नहीं है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल। तो जी हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी यहीं पे फिशरमैन पे, क्योंकि यहाँ से पार्किंग करके फिर पैदल चले जाओ आगे बेटर है, वहाँ पे पार्किंग मिलती नहीं। हाँ, और हमारे जानने वाले हैं तो इस चीज का फायदा हो जाता है। हाँ, तो मार्केट तो यहाँ का पूरा मतलब ओपन हो गया है, सारी दुकानें ओपन हो गई जो पहले नहीं हुई थी, ये अच्छा लग रहा है। और कुछ चीज़ें अभी छोटी मोटी बंद है बस, वो भी मुझे लग रहा है ये इस महीने के एंड तक हो जाएंगी स्टार्ट। रेस्टोरेंट सारे ओपन है ऑलमोस्ट। तो जी आज बीच पे तो लग रहा है मुझे सन्नाटा सा मोनिका। पीछे पीछे भी है। हाँ, वहाँ पे तो बहुत गाड़ियाँ और टूरिस्ट थे, बट अभी इधर की तरफ पार्किंग भी इतनी भरी हुई नहीं है जितनी क्या संडे में होती है यूजुअली। मतलब मैं गाड़ी भी यहाँ तक लेकर आता चलता आराम से। हम इसलिए नहीं लेके आए थे। हाँ, और है टूरिस्ट पर उतना क्राउड नहीं है जितना हम सोच रहे थे। हाँ, मैंने सोचा था सब पूरा बीच भरा होगा। हाँ, पर फिर भी इधर इधर रहता है थोड़ा क्राउड, और जगह उससे अच्छा है साउथ की अगर हम बात करें तो। हाँ, हाई टाइड हो रखा है, यहाँ तक आ रखा है पानी, पीछे तक एकदम हाई टाइड है, बहुत आगे तक जाना अलाउड नहीं है। इधर है क्राउड फिर भी काफ़ी लोग हैं। तो जी बीच ना अभी दोबारा से जो है रफ हो गया है, जैसे क्या बीच में अभी बारिश हो रही है डेली, कल भी बारिश हुई परसों भी हुई, रोज़ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो उसके हिसाब से क्या है बीच थोड़ा रफ हो गया, ज़्यादा रफ नहीं है थोड़ा सा है। हाँ, थोड़ा रफ। और काइकिंग वगैरह भी यहाँ पे कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है जो ये पालोलेम बीच है, अभी मतलब अक्टूबर के बाद ही स्टार्ट करेंगे शायद वो सब चीज़ें। पर हाँ, क्राउड आप देख सकते हो काफ़ी है बीच पे, और मतलब स्विमिंग भी कर रहे हैं लोग बीच के अंदर, एंजॉय कर रहे हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लस बीच शैक भी कुछ कुछ खुल गए हैं, सारे तो नहीं खुले। हाँ, बट मतलब 20-30% खुल गए हैं। हाँ, तो सितंबर से मतलब इधर की तरफ काफ़ी चीज़ें ओपन होने लगी हैं। चलो और थोड़ा वॉक करते हैं बीच पे, चलते हैं आगे की तरफ देखते हुए क्या क्या ओपन है क्या क्या बंद है। तो अभी क्या है बीच पे ना गंदगी काफ़ी हो रखी है, मतलब पहले आए थे तो बहुत साफ़ सुथरा था बट अभी इतना साफ़ सुथरा नहीं है, अभी काफ़ी गंदगी है यहाँ पे। देखो ये नीचे टमाटर दुनिया जहाँ की चीज़ें पड़ी हुई है, प्लास्टिक भी पड़ा हुआ है काफ़ी इधर की तरफ, और आगे तक ऐसा ही दिख रहा है गंदा गंदा, मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा अभी बीच पर चलने में, जो होता है यहाँ पर वो अभी बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा रेत होता है पीछे की तरफ और आप वॉक करते हो तो वो वाला फील नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। तो अभी चलते हैं थोड़ा साउथ एंड की तरफ, नॉर्थ एंड की तरफ, साउथ की तरफ तो दिखा दिया पर इतना गंदा बीच में पहली बार देखा है मोनिका, ये मतलब इस टाइम पे अभी ये काफ़ी गंदगी आ रही है बाहर। हाँ, तो जी ये देख लो, इधर से दिखा देता हूँ साउथ, ये नॉर्थ की तरफ का भी
उधर क्राउड थोड़ा सा कम है, बीच में ये इधर ही ज्यादा क्राउड आ रहा है एंट्रेंस पे। हाँ, और पानी ना यहाँ तक आ रहा है, पीछे देखो यहाँ तक बिल्कुल, मतलब जहाँ ये बोट उठ खड़ी होती है वहाँ तक पानी टक्कर मार रहा है। फिलहाल ये है पालोलेम बीच, और बेटर को अभी अगोंडा हो रखा। हाँ, मुझे अगोंडा ज़्यादा अच्छा लग रहा है आजकल यहाँ पे, क्योंकि जो गंदगी हो रखी है ना, हम यूजली पहली बार ऐसी गंदगी देखी है तुमने यहाँ पे, इतनी नहीं होती है ना। चलो निकलेंगे, अभी यहाँ से निकलते हैं पहले। तो जी बीच घूमा है, पर बीच पे जाके ना मज़ा सा नहीं आया बिल्कुल भी आज, बहुत मतलब अच्छा ही लगा, जो फील आता है ना बीच वाला, वो वाला फील नहीं लग रहा था। हाँ। और अभी टाइम लगेगा सीजन में, सीजन में वही अभी है 15 से 20 दिन, मतलब बीच को उस लेवल पाने में अभी। हाँ, बीच जो सीजन वाला बीच होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। हाँ, तो अभी हाँ मतलब आप समझो 10-15 अक्टूबर के बाद वो वैसा फील होना शुरू। नहीं मतलब आज तो क्या था, वहाँ तक पानी आ रहा है पीछे तक, और वहाँ पे इतना गोबर था बहुत ज्यादा और गंदगी बहुत ज्यादा थी, मतलब क्या क्या पड़ा था बहुत। हाँ। तो मतलब उससे ना सर जी खराब, जी खराब क्या, नहाने का मन नहीं करता अंदर, और लोग फिर भी नहा रहे हैं पता नहीं, क्योंकि वो सब गंदगी अंदर जाती है घुल के पानी में। तो बीच में तो खैर मैं अगोंडा को नंबर वन पे रखता हूँ। बीच तो हाँ अगोंडा और मजोर्डा। हाँ, और गलजीबाग भी अच्छा है, गलजीबाग। हाँ। ओए होए, तो अभी इसमें डलवाएंगे पहले पेट्रोल, क्योंकि इसका डीजल डीजल ऑलमोस्ट खत्म है आज, डीजल डलवा लेते हैं। और कुछ काम बचा इधर का? नहीं। चलो जी फिलहाल चलते हैं, फिर अपनी काम पे लगते हैं चल के, क्योंकि अपना उधर का भी देखना है ना चलना। अपना बर्गर और पिज्जा थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हम, जब बीच उच पे आते हैं ना तो हम भूल जाते हैं कि उसकी भी तैयारी करनी है जाके, और टाइम लग गया काफी आज इधर है ना। हाँ, इधर थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। ये आ चुकी है जी अपनी बांगड़ा थाली, बांगड़ा है। तो मैंने दाल ली है स्पेशल अलग, और ये अक्षु की आ गई, और हम राइस की जगह जो है चपाती ले रहे हैं, मोनिका चपाती है। मोनिका चपाती ले रही है शायद, नहीं मैं राइस। अक्षु और मैं चपाती। तो जी अभी पहुंच चुके हैं घर, और लंच का टाइम हो गया है, तो लंच अपना आज हो रहा है निक्की बार पे। ये देखो दोनों बैठे हैं, वो अभी भी बिजी है अपने फोन में। ए, कभी तो इससे बाहर निकल जाएगा, तुझे अलग ही स्वैग लगा रहता है इसका। क्या ऐसे चलाता है? ऐसे ही चलाता हूँ बस, सब ऐसे ही। तो आज मोनिका क्या क्या ऑर्डर करने वाली हो? आज हमारा मन था फिश खाने का, इसीलिए। हाँ, क्योंकि घर पे बनाना थोड़ा सा भी मुश्किल हो जाता है, बन तो जाती है पर थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि फिर कामों में लगना है अपने दूसरे, इसलिए। तो फिलहाल हमने ऑर्डर कर दिया है अपने यहाँ पे आज बांगड़ा थाली, बांगड़ा खाएंगे। बांगड़ा खाने में टेस्टी होती है। नो फैंसी फिश। हाँ, ओनली बांगड़ा। हाँ, तो चलो लंच करते हैं फिर अपने, उसके बाद अगले काम लग जाएंगे, एंड इस ब्लॉग को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्या और चलाना है। तो आप बताना कैसा लगा आपको पालोलेम बीच में? हमारा तो आज थोड़ा सा मन वहाँ पर जाके ना ख़राब सा हो गया, इसीलिए हमने फिर बाहर आज बाहर खाते हैं, पार्टी करते हैं, थोड़ा सा संडे का दिन है तो अलग माहौल रहना चाहिए थोड़ा सा, संडे एंजॉय करते हैं। हाँ, तो पालोलेम बीच के हाल अभी जो है थोड़े से ख़राब लगे आज हमें, पर होप करते हैं कि जल्दी वो क्लीन हो जाए, अच्छे से पूरा साफ़ हो जाए, और जैसे बारिशें उरिशें जाएंगी तो फिर से वो अपना जो ओरा होता है उसी में आ जाएगा। टाइम लगेगा पर उससे 10-15 दिन 20 दिन हो सकता है लग जाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया। मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।